सभी दोस्तों का स्वागत है। और हर साल की तरह इस साल भी किसान मेला लग चुका है जो कि है पूसा यूनिवर्सिटी में। तो चलिए आपको मेला का दर्शन कराते हैं और मेला का क्या आकर्षण है, क्या मेला में क्या क्या चीज़ है, तो चलिए मेला का पूरा आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ चलते हैं। तो ये रहा यहाँ पे से एंट्री है और यहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। इधर बहुत सारे सब्जियों का मेला लगा हुआ है और यहाँ पे काफी भीड़ है। और इधर है उससे निर्मित कुछ अचार, मुरब्बा, और इधर है कुछ जूस, और इधर है मूली का वैरायटी, और ये है शकरकंद। एक्चुअल में इसका जो नाम है थौर बोलते हैं। और इधर है काफ़ी सब्जी का भीड़ लगा हुआ है और ये देख रहे हैं। ऐसे घुसेगा फिर ऐसे निकलेगा। चलो, और ये है कदीमा जो कि काफ़ी बड़ा बड़ा है और सभी को जो पुरस्कार दिया गया है सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। सब इसका सब रिएक्शन दे रहा है फर का। और इधर काफी सब्जियों से गचागच भरा हुआ थैला। और इधर ये आप देख सकते हो सतावर, और ये है सतावर जो कि अभी अभी उखाड़ के लाया गया ऐसा लग रहा है। और इधर है आपका मटर का वैरायटी और इधर आपका फ्लावर का शुरू हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो। और ये आंटी चेक कर रही है कि काफी कितना बड़ा है। और इधर है आम के पौधे आप देख सकते हो। और इसमें कुछ हरे हुए भी देख सकते हैं। और इधर फिर एंट्री करेंगे, ये देखिए मशरूम है यहाँ पे। और इसमें मशरूम से बने उत्पाद वो सारे यहाँ पे सेल लगा हुआ है, तो आप चाहे तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। इनकी सेल खत्म हो गई है, वो लोग अपना स्टॉल भी हटा चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं इधर मशरूम का। तो ये है हमारे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के। जो कि भ्रमण कर रहे हैं ये भी रिक्शा पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जितने भी स्टॉल है उस पे जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं उनका जो पार है कैसा बना हुआ है, नहीं बना हुआ। कितना भी खांसी आपको काली से काली पीली से पीली हो,
ये इसके चार पत्ते अगर किसी ने पीस कर पी लिया एक सप्ताह में बहुत बहुत जबरदस्त नाला बन गया, नेट पर भी देखे हैं। चलिए सब सभी लोग अपना सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं ताकि लोग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, ये देख सकते हैं। और आज क्लोजिंग डे है तो काफ़ी भीड़ नज़र आ रहा है। तो ये है काफ़ी यूनिक आइडिया, आप देख सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग का, काफ़ी यूनिक लग रहा है। और इधर आपका सोलर सिस्टम, अब यहाँ से शुरू हो रहा है तकनीकी जो कि ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ड्रोन है जो कि खेती बाड़ी के लिए काफ़ी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे ये ड्रोन सिस्टम का है इनोवेशन है। और इधर से काफ़ी यंत्र वगैरह इधर रखे हुए हैं आप देख सकते हैं इधर, जो कि खेती बाड़ी में काफ़ी योगदान देने वाले हैं ये सब जो यंत्र है। और बाकी और काफ़ी औजारे और भी है जो यहाँ पे रखे गए हैं और सभी का जो यूज है ये आपको बताएंगे। और इधर है आपका हाइड्रोफोनिक फार्मिंग कैसे होगा वो आपको यहाँ पे आपको सारा जो बातें हैं कैसे करना है वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका डेमो भी दिया गया है। तो इधर है मछली, एक मछली पानी में गई और पानी से सीधे तेल में गई। मछली बड़ा हो गया। इधर होगा फिश फ्राई जो फिर आप पी करके आनंद ले सकते हो। बड़ी मछली 100 रुपये, छोटी मछली है यहाँ पे मछली बहुत सारे मछली यहाँ देखिए गे राजा नाम लिखा हुआ है। और बाकी और मछली और इधर है आपका गन्ने, लंबा लंबा गन्ना कैसे उपजाएं तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएंगी। और इधर है आपका मधुमक्खी पालन केंद्र जो कि यहाँ पे आपको सिखाया जाएंगे कैसे करना है नहीं करना है वो सारे डिटेल। तो मेन है यहाँ पे, आप चाहो तो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके कितने रुपया लगता है रजिस्ट्रेशन का? 30 रुपया, 30 रुपया आपको यहाँ पे लगे रजिस्ट्रेशन करा के मेला का लुत्फ उठा सकते हो। पेज वाला और आप किताबें कॉपी कलम और मेले के डिटेल सारी चीज़ आपको मिलेंगे। काफ़ी स्टॉल है जो कि खाली है। और इधर है आपका मक्के का खेती, मक्के का खेती, मक्के का वैरायटी साथ ही साथ जो हमारे वैसे ही आईसीआर। और इधर है आपका जो चिन्हित किए अरहर की खेती, उनको सूचना मिल चुकी है। बहुत सारे दाल हैं तो यहाँ पे दिखाए जाएंगे, मिलेंगे कर रहे हैं स्टॉल पर, वो पुरस्कार प्राप्त करेंगे, कृपा करके अपने जगह प्राप्त कर ले। और इधर है आपका तेल से रिलेटेड है, इधर है आपका बहुत सारे हल्दी का वैरायटी है और आपका अदरक का वैरायटी है और अदरक से बने उत्पाद वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इधर है आपका बहुत सारे सब्जी के वैरायटी जो कि सबका आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और वो है भरी जमानिया आलू
तो ये सब आलू का वैरायटी है और ये है आपका मधुमक्खी का वैरायटी और इधर है आपका जो इधर है आपका पोषक अनाज और इधर है लोकल पेड़ पौधे जो कि आप चाहो तो परचेज कर सकते हो और इधर फ्रूट आपको यहाँ से परचेज कर सकते हैं और इधर है कुछ अचारे जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट करके यहाँ पे आप ले सकते हैं। काफ़ी भीड़ है जो कि चंदन फेस पैक है और यहाँ पे महिलाओं की काफ़ी भीड़ है और इधर है कुछ हर्बल चीज़ें और यंत्र और इधर है कुछ कलाकृति जो कि पेड़ पौधे के जड़ तने से बनाए गए हैं और ये है मेला का दृश्य जो कि काफी घचाघच भरा हुआ है और ये सस्ती महर्षि यहाँ पे लगा हुआ है और इधर है डेयरी लस्सी वगैरह सुधा का। ये है माँ भट्टी अम्मी डेयरी और ये है अपना गोदाम जो कि हमारे समस्तीपुर में है और उनपे काफ़ी आप भीड़ देख सकते हो जो कि अपना समस्तीपुर का ये उत्पाद है। काफ़ी फास्ट में ये लोग चट कर रहे हैं और ये अपना समस्तीपुर पूसा ब्लॉक का ये ब्रांड गोदान जो कि पूरे बिहार में धीरे धीरे छा रहा है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है तो हमने भी ये परचेज किया है रबड़ी। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं और इधर है प्रोग्राम हो रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम पुरस्कार वितरण यहाँ पे किया जाता है और यहाँ पे लगा हुआ है यामाहा का डीलर तो यहाँ पे आप बाइक के बारे में जान सकते हो परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ITC का स्टॉल लगा हुआ है जिसमें ITC के बहुत सारे वैरायटी है और क्या क्या चीज़ है जो बनाते हैं ये ज्ञान के लिए रखते हैं और ये देख सकते हो और ITC का कहाँ कहाँ ये योगदान है यंत्र कृषि यंत्र और उनके उपयोग और उनका डिम और यहाँ पे बहुत सारा यंत्र है और समर्सिबल पंप है तो ये खतरनाक पंप है ये आप देख सकते हो और तगड़ा पानी दे रहा है। स्टॉल है ये देख सकते हो बहुत सारा खाली भी है और इधर है अपना मिथिला ग्राम नवाड रूरल स्मार्ट किसान मेला जो कि मधुबनी पेंटिंग वगैरह है और काफ़ी खूबसूरत बने हुए हैं। और इधर भी है बहुत सारे स्टॉल है जो कि हर साल की तरह सेम लोका स्टोर आता है और इधर है हमारा महिंद्रा का ट्रैक्टर और इधर है कुछ अमेजिंग कार और
गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। तो ये है हिलक्स, हिलक्स है, हिलक्स 4x4। और चाहो तो आप इसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हो यहाँ पे आके। इसे ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन गाड़ी हो गया। दांत खाज खुजली और गुप्त रूप विशेषज्ञ, और यहाँ पे आया चंदन का वैरायटी, लाल चंदन भी है इसमें। तो फाइनली इनका जो स्टॉल है यहाँ पे किसान मेला में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इनके बहुत सारे जगह पोस्टर आपको मिल जाएंगे। स्पेशली पैनेला पाड़ी, जो कि सबकी फेवरेट ब्रांड हमारा भारत का टाटा। तो ये है आखिरी स्टोर और ये स्टॉल, तो चलिए इसका भ्रमण करते हैं। दूसरा कंपनी का कोनो मिलता है बताइए, फर्स्ट है कि और ये है हमारा हेयर बैग का स्टोर, जो कि जो पशु पालते हैं उनका सबसे फेवरेट ब्रांड। और इधर बहुत सारे फल फ्रूट सब्जी फ्लावर सबके प्लांट ही है, और आप चाहो तो परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कुछ अजीबो गरीब पेड़ पौधे और उनके नाम इलायची 100 रुपये। और पैसों की बारिश कर देगी ये पौधे, जिनका नाम है मनी प्लांट, तो अपने घर में जरूर लगाएं। लास्ट स्टोर इधर से और यहाँ पे बहुत सारे जीवन में प्रवर्तित और प्रकृष्ट करने वाली किताबें, जैसे कहा जाता है जिस देश में किसान नहीं है वो देश नहीं बन सकता। उसी रूप में हमारा आज जो और ये है हमारा पशु उत्पादक शोध संस्थान। तो चलिए अंदर का पशु कुछ दिखाते हैं आपको, जो कि काफी सुनहरा है। और इधर है पशु हमारी गाय माता, तो इधर आपको पहले दिखाते हैं। ये है टर्की, जो कि आप देख सकते हैं। और ये है वन राजा, और ये है जैसे कि जाल में रख दिए हैं, ये आसिल, और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सब मुर्गे का वैरायटी है। और ये रहा आपका बत्तख, जो कि बत्तख इसमें वहाँ पे बैठा हुआ है। और यहाँ पे ये वहाँ पर ये रहा हमारा ब्रेड,
तो जिन लोगों को नहीं पता बटेर कैसा होता है तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का बटेर, इन्हीं को बटेर बोलते हैं। और ये है गिनिया हाउल, ये देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इधर कुछ कुछ गाय हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, पर गाय यहाँ पे धूप हो गए तो यहाँ पे वो हटा ले गए हैं। और उधर है कुछ बकरी की नस्लें। और इधर है हमारा माइक्रोस्कोप। यहाँ पे कुछ यंत्र है जो कि जानवर को नसबंदी करने के लिए है, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो में यहाँ तक रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।